हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईएमएफटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो पूरे सिलेबस का बेस बनेगा आपका। वो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। तो यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होता है आपका, ये होता है वे ऑफ लोकेटिंग अ पॉइंट इन 3D स्पेस। ठीक है, तो ये एक तरीका है पॉइंट्स को लोकेट करने का 3D स्पेस में और विद रिस्पेक्ट टू नोन रेफरेंस। ये आप कंप्लीट डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो ये रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा कुछ टाइम में। यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट समझना होगा कि यहां पर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोगोनल सिस्टम और एक होता है आपका नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो इस पॉइंट को आप समझिए कि ऑर्थोगोनल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो आपके ऑर्थोगोनल सिस्टम होते हैं ना, उनका मतलब यह होता है कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। और यहां पर आपको यह पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि एक नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है। नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है उसका प्रैक्टिकली बहुत ही कम यूज है, क्योंकि यह बहुत हार्ड होता है वर्क करने के लिए। तो जो हमारा पूरा फोकस होगा वो किस पे होगा, हमारा पूरा फोकस होगा ऑर्थोगोनल सिस्टम पे। ये पॉइंट आपको स्टार्ट से क्लियर रखना है। मुझे पता है अभी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके आप चीजों को अंडरस्टैंड करने लगोगे। सब्जेक्ट जो है वो टफ जरूर है, लेकिन अगर आप आराम से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल सिस्टम पे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर मैं ऑर्थोगोनल सिस्टम के कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं, तो यहां पर एक एग्जांपल आपका होता है कार्टेशियन, जिसे आप रेक्टेंगुलर के नाम से भी जानते हो। एक आपका होता है सिलेंड्रिकल, इसके अलावा एक होता है आपका स्फेरिकल। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन्हीं तीनों पर होगा, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो यहां पर अब आपको वन बाय वन तीनों के बारे में अंडरस्टैंड करना है, बेसिक स्टडी देखनी है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, क्योंकि इसकी थ्योरी काफी लेस है। आप बड़े आराम से इसे समझ जाओगे क्योंकि आप आज तक इसे ही यूज करते आए हो। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से जब हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल अंडरस्टैंड करेंगे तो वहां पर आप देखोगे काफी कुछ आपको नया देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो आप देखो सबसे फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको सबसे पहले यहां पे ये समझना होगा कि यहां पर आपके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। पैरामीटर्स भी आप बोल सकते हो या आप बोल सकते हो इसे कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स, दोनों में से कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। तो यहां पर आपके पैरामीटर्स होते हैं एक्स वाई जेड, क्लियर है पॉइंट। इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं रेफरेंस की, जैसे मैंने बोला था ना नोन रेफरेंस, तो यहां पर रेफरेंस आपका क्या होता है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन्स। ठीक है ना, हम देखते हैं ना एक्स वाई प्लेन, आप एक्स एक्सिस यहां ड्रॉ करो, यहां वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो आपका प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, क्लियर है। तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन, इसको अगर आप थ्योरिकली बोलो तो आप यहां पर बोल सकते हो थ्री इंफिनाइट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन्स। ठीक है, ये आपके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन होते हैं, लेकिन आप सिंपली ऐसे याद रखो जो आपको स्टार्ट से पता ही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका होगा जो पैरामीटर आपने देखे हैं उनकी रेंज क्या होती है। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो एक्स की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y की रेंज भी आपकी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है,
और z की रेंज भी आपकी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ही होती है। यह पॉइंट आपको क्लियर रखना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है? डायरेक्शन को शो करना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या अगर आप बोलो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यूनिट वेक्टर्स आपके होते हैं एएक्स, एवाई और एजेड। इस तरीके से मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। एएक्स क्या है आपका? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। एवाई क्या है आपका? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और एजेड क्या है आपका? जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अभी और भी हैं, मैं अभी और भी डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये चार पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखने ही हैं। और इसी के बेस पर अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, और कुछ पॉइंट्स की लोकेशन भी मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर ए है सपोज करो, तो उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? तो आप देखो, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एएक्स, एएक्स प्लस एवाई, एवाई प्लस एजेड, एजेड, जहां पर स्मॉल एएक्स, स्मॉल एवाई और स्मॉल एजेड आपको पता है यूनिट वेक्टर शो कर रहे हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। इसके अलावा जो कैपिटल एएक्स, कैपिटल एवाई एंड कैपिटल एजेड है, वो क्या शो कर रहे हैं? आपके कंपोनेंट शो कर रहे हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ पॉइंट और ध्यान में रखने हैं। जो हमने यूनिट वेक्टर स्टडी किए हैं एएक्स, एवाई और एजेड, उनकी प्रॉपर्टीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है, और ये आपका हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा वैलिड, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। जैसा हमने जब वेक्टर का बेसिक स्टडी किया था, तो हमने क्या स्टडी किया था कि एएक्स डॉट एएक्स ये आपका क्या होता है? वन। सिमिलरली एवाई डॉट एवाई भी क्या होता है? वन। एजेड डॉट एजेड भी क्या होता है? वन। तो वो यहां वैलिड होगा, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एएक्स डॉट एवाई ये क्या होता है आपका? जीरो। या आप एवाई डॉट एजेड करेंगे वो भी क्या आएगा? जीरो। या एजेड डॉट एएक्स करेंगे ये भी क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। तो ये भी यहां वैलिड है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा एएक्स क्रॉस एवाई अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? एजेड। एवाई क्रॉस एजेड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एएक्स। और एजेड क्रॉस एएक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? एवाई। ठीक है, तो ये बेसिक जो है वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये सिखाया हुआ है कि अगर आप ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए करते हैं तो सामने साइन माइनस आता है। इसका मतलब क्या कि एएक्स क्रॉस एवाई तो एजेड है, लेकिन एवाई क्रॉस एएक्स क्या होगा? माइनस एजेड होगा। एजेड क्रॉस एवाई क्या होगा? माइनस एएक्स। एएक्स क्रॉस एजेड क्या होगा? माइनस एवाई। देखिए, ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत काम की है। आगे जाकर आप देखोगे कि पूरे सिलेबस में आप सिर्फ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज कर रहे होगे। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर नहीं होंगे ना, तो पूरे सिलेबस में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बड़े आराम से आपको पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये यूनिट वेक्टर्स पे प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसके बाद अब अगर मैं यहां पर एक सिचुएशन लूं, तो वो सिचुएशन क्या होगी? आप समझो कि सपोज करो आपका यहां पर एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब जैसे मैंने आपको शो किया था रेंजेस, स्मॉल एक्स की रेंज मैंने आपको शो की थी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, स्मॉल वाई की रेंज शो की थी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, स्मॉल जेड की रेंज भी मैंने आपको शो की थी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। तो आपको समझना होगा कि ये जो है ये एक्सिस के नाम है एक्स वाई जेड। स्मॉल एक्स क्या है? उस एक्सिस पे कोई वैल्यू है। आप समझिए मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। आप देखिए, जैसे कि अगर यहां पर मैं इस तरीके से शो करूं कि ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एक्स है, मतलब ये वैल्यू कितनी है आपकी? स्मॉल एक्स है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू स्मॉल एक्स है, मतलब मान लीजिए 2 है, कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा और इमेजिन करें, जैसा मैंने स्टार्टिंग से बोला है EMFT में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखो, जैसे मैं अगर अपने फ्रंट पे देखूं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप रूम में खड़े हैं, ठीक है,
तो आप देखिए ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, लेट सपोज ये आपका क्या हो जाएगा y एक्सिस, और देखिए नीचे से एक और लाइन जा रही है वो क्या हो जाएगी आपकी z एक्सिस। तो x y और z रूम के आप कहीं भी कोने में जाके देख सकते हैं। तो यहां से अब आप समझिए अगर ये x है और ये y है तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, और अगर ये z है और ये y है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये प्लेन क्या होगा आपका वाई जेड प्लेन। तो आप समझिए बोर्ड में पॉसिबल नहीं है ना 3D स्ट्रक्चर बना पाना, तो एक्स वाई प्लेन तो क्लियरली दिख रहा है, वाई जेड जो प्लेन होगा आपका, ठीक है ना। अब आप समझिए अगर ये सामने वाला आपका एक्स वाई प्लेन है एक्स और वाई, तो अगर ये डिस्टेंस आप समझें ये वाला क्या है आपका जेड और वाई, मतलब वाई जेड प्लेन, तो ये जो हमने बनाया है ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या है बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस है, जो स्मॉल एक्स है वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम वाई जेड प्लेन। ये पॉइंट आपको इमेजिन करना आना चाहिए अभी का अभी, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो रूम में सामने खड़े होकर इमेजिन करिए, एक को एक्स दीजिए एक को वाई दीजिए और एक को जेड दीजिए, और वहां पर एक्स ले लीजिए इस डिस्टेंस पर, तो वो क्या होगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को थिंक कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना डिफिकल्ट नहीं है थिंक करना, लेकिन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में आप देखोगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत सारे नए फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ना बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए जो कि कार्टेशियन है, उसके बाद ही आप बाकी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर ये जो एग्जांपल था ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे मैंने बोला कि आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो, ठीक है, इन अ 3D स्पेस, तो आप बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करोगे, पॉइंट P होगा, उसको आप एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसको आप लोकेट कर दोगे, ठीक है। मान लो अगर जेड की वैल्यू 0 होगी, मान लो 2, 3, 0, तो ये आपने पहले भी किया है ना कि x2, y3, z0, तो आपका एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। तो यही मीनिंग है आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है। तो अभी क्या है, अभी ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में है तो काफी इजी है, आप कर पाओगे क्योंकि आप पहले से करते आए हो। लेकिन जब सेम चीज आपकी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में आ जाएगी तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को। तो आज के लेक्चर में मैंने यहां पर बेस बनाया है आपके लिए ताकि आप जो पहले से जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको आप समझ के आगे आने वाले सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाओ। एक यहां पर लास्ट पॉइंट में और डिस्कस करूंगा फिर आज का लेक्चर हम स्टॉप कर देंगे। ये जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका एप्लीकेशन आप कहां कहां देखोगे, उसका यूज कहां कहां देखोगे, तो देखो एक आप देखोगे जब आप रेक्टेंगुलर वेव गाइड स्टडी करोगे ना तब आप देखोगे कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपका हो सकता है यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स, ये आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर आप देखोगे कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अब यहीं स्टॉप कर रहे हैं, थैंक यू।